Hello friends, welcome back to Creative Ashwini. Today I'm going to tell you how to cut and stitch umbrella sleeves crop top. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इस कट कैसे बनाते हैं वो बताया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है, इस कट का वीडियो देखना है, तो आप वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अम्ब्रेला स्लीव्स बनाने के लिए यहाँ पे मैं पेपर पे पहले कट करके दिखाऊंगी, तो ये क्लोथ पे कट करना बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पेपर को फोर फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे आर्म होल का मेजरमेंट हम लोग मार्क कर लेंगे और जो लेंथ है उसे हम लोग एक मेज़र करके हम लोग उसे भी मार्क कर लेंगे। हमें जो आर्म होल का मेजरमेंट है वो जो भी आर्म होल हमारा होगा उसका डिवाइडेड बाय 8 कर लेना है। यहाँ पे मैं स्लीव्स के दो फ्लेयर रखने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने ये पहले बड़ी स्लीव्स ले ली है। और उसी के साथ ये सेम प्रोसीजर के साथ में पहले यहाँ पे आर्म होल मेज़र कर लेंगे और जो हमारी जो पहले वाली स्लीव्स थी उसकी लेंथ ज़्यादा थी, उससे हमें यहाँ पे थोड़ी लेंथ कम रखनी है। यहाँ पे मैंने पहले वाले स्लीव्स की लेंथ रखी थी 8 इंच, तो यहाँ पे मैं इसकी लेंथ रखूँगी 5 इंच। और अभी यहाँ पे आर्म होल सेम प्रोसीजर के साथ में कट कर लेंगे और ये बन गई है छोटी स्लीव्स। अब हम लोगों को ये बड़ी स्लीव्स के ऊपर छोटी स्लीव्स प्रेस करनी है और यहाँ से हमें स्टिच कर लेना है क्लोथ के ऊपर। अब बॉडी ब्लॉक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्लोथ ले लिया है, क्लोथ को फोर फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे मैं बोट नेक बनाने वाली हूँ, तो उसकी नेक की मैंने जो डेप्थ है वो 3 इंच रखी है और जो साइड वाला पोर्शन है वो 3.5 इंच रखा है। और हम लोग यहाँ पे कर्व देके यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये बन गया हमारा बोट नेक। अब शोल्डर लाइन मार्क कर लेनी है। यहाँ पे शोल्डर लेंथ है 6 इंच, 12 इंच है, इसको मैंने हाफ कर दिया है तो वो बन गई है 6। यहाँ पे आर्म होल के लिए मेजरमेंट मेरा 6 है, आप अपने हिसाब से मेजरमेंट ले सकते हैं। और यहाँ पे बस्ट लाइन आएंगी 7.5 इंच। यहाँ पे 30 की बेस्ट है, इस हिसाब से मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। ये मार्किंग होने के बाद में हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेने हैं। आर्म होल के लिए पहले हमने जो बॉक्स बनाया है वहाँ से 1/2 इंच ले लेंगे और फिर बाद में हम लोग मार्क कर लेंगे। फिर से 1/2 इंच हमें ले लेना है और जो ये वाला आर्म होल होगा ये फ्रंट साइड में आएगा और ये दूसरा वाला जो आर्म होल होगा ये बैक साइड का होगा। और यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा सेम अलाउंस के लिए है। अभी हमें लेंथ मेज़र कर लेनी है। यहाँ पे लेंथ मैंने 15 इंच लिया है, 1 इंच जाएगा हमारा नीचे की फोल्डिंग में। और जो वेस्ट लाइन है उसका मेज़रमेंट है वहाँ पे 28 इंच है, तो उसका 1/4 हो गया है 7। अब यहाँ पे हमें ये जॉइंट कर लेने हैं 2 पॉइंट्स। और साइड में 1 इंच का सीम अलाउंस लेके हमें ये एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम लोग ये पार्ट कट कर लेंगे। अब यहाँ पे दोनों पार्ट कट हो गए हैं और यहाँ पे हम लोग साइड से सिलाई लगा लेंगे और हमें नेक लाइन भी फिनिश कर लेनी है। यहाँ पे मैं स्लीव्स के लिए 4 फोल्ड क्लोथ कर लिया है। यहाँ पे मेरा आर्म होल का मेजरमेंट है 16 इंच, तो उसका 8 पार्ट आएगा 2 इंच, लेकिन मुझे थोड़ी फिल ज़्यादा चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे 3 इंच का आर्म होल मेज़र करके कट कर लूँगी।
आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे लेंथ है 8 इंच की। अभी सेंटर में हमें टेप लेके फिर से ये पूरे साइड में हमें 8-8 इंच का मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे कर्व दे देना है। यहाँ पे आर्म होल का मेजरमेंट लेके हमें यहाँ पे भी मार्किंग कर लेनी है और इसे भी हमें एक सर्कल बना लेना है। अब इसे हम लोग कट कर लेंगे। अगर आपको एक ही फ्लेयर का स्लीव्स चाहिए तो आप सिर्फ ये एक पार्ट अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 फ्लेयर की स्लीव्स बना रही हूँ, इसलिए मैं ये दूसरा पार्ट भी कट कर लूँगी। इसकी लेंथ थोड़ी कम लेनी है, पहले मैंने 8 इंच का लिया था, अभी हमें मैं यहाँ पे 5.5 इंच ले लूँगी। आर्म होल सेम 3 इंचेस का मार्क करके हमें कट कर लेना है और यहाँ पे लेंथ ली है मैंने 5.5 इंच। अब यहाँ पे ये हम लोग मार्किंग कर लेंगे और इसे भी कट कर लेंगे। हो जाने के बाद में इसे कट कर लेंगे। अब जो हमारा बड़ा वाला सर्कल है उसके ऊपर हमने जो दूसरा छोटा सर्कल कट किया था उसको इसके ऊपर प्लेस कर लेंगे और यहाँ से एक स्टिच दे देंगे। और ये हमारी अम्ब्रेला स्लीव्स रेडी है। हमें नीचे से, अगर आपको हेमिंग करना है तो आप हेमिंग कर सकते हैं या फिर पीको भी कर सकते हैं। पीको करने से फ्रिल थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने यहाँ पे पीको किया है। और अभी मैं यहाँ से ये सर्कल को एक बार स्टिच कर लूँगी। यहाँ पे अभी हमें शोल्डर ज्वाइंट कर लेने हैं। अगर यहाँ पे आपको टॉप को साइड से चेन लगानी है, आप चेन लगा सकते हैं या फिर आप बैक ओपनिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बैक ओपनिंग रखा है तो मैं यहाँ से साइड वाला पोर्शन है इसे मैं स्टिच कर लूँगी और जो वेस्ट वाला पोर्शन है उसे भी मैं हेमिंग कर लूँगी। ये स्टिच हो गया है। अब जो हमारा आर्म होल है उसका जो है राइट साइड और स्लीव्स का राइट साइड उसके ऊपर रख देना है और हमें ये अच्छे से पिनअप कर लेना है। यहाँ पर टॉप साइड पे मैं 2-3 प्लीट्स लगाने वाली हूँ क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा का पोर्शन कट किया था तो, और इसे अच्छे से प्लेस करके मैं इसे पिनअप कर लूँगी। And
इसे अच्छे से पिनअप कर लेंगे और फिर स्टिचिंग के टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ये क्रॉप टॉप बनने के बाद कुछ इस तरह लग रहा है। ये बहुत ही प्रीटी लग रहा है। अगर ये आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।